हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स. आई एम एडवोकेट वनिता. आई एम प्रेजेंटिंग हेयर टुडे विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारी लास्ट क्लास थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर जो है हमने काफ़ी कुछ इंट्रो जो है उसका डिटेल में कर लिया था. कॉन्स्टिट्यूशन की जो लास्ट क्लास थी, वैसे हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लेटेस्ट इश्यू जो था, उसके ऊपर मैंने जो टॉपिक बनाया था और वो मैंने आपको शेयर किया था, वीडियो अपलोड किया था. आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा. अभी मैं जो है अभी सिरसा में नहीं हूँ, सिरसा से बाहर हूँ, तो मुझे जो भी जगह जैसे भी कुछ जगह मिल पा रही है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपके लिए अपलोड भी कर रही हूँ. थोड़ा वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मोबाइल के डेटा से ही वीडियोस अपलोड करे जा रहे हैं, इसलिए डेली का मुश्किल से एक ही वीडियो मैं अपलोड कर पा रही हूँ. तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम प्रॉपरली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का आर्टिकल 1 से 4 तक हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आएगा. और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए शेयर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है. जो पॉलिटी के अंदर जो राज्यसभा लोकसभा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है, वो हमारे जुडिशरी के एग्जाम में कम आते हैं. वो IAS और IPS या SCS के मेन के एग्जाम में वो पूछे जाते हैं. तो हम उतना ही सिलेबस करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी होगा. चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का Part 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. वैसे तो जो टेरिटरी के रिगार्डिंग है, एग्ज़ाम में प्री के अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें हमारी टेरिटरी के बारे में पता होना चाहिए. और टेरिटरी के रिगार्डिंग जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, जो भी हमारे लॉज हैं, उनकी हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए. वैसे क्या है कि जब हमें, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे देश में कई बार नई स्टेट्स बनती हैं और नए कुछ पार्ट्स हैं हमारे टेरिटरी में ऐड किए जाते हैं, हमारे देश के हिस्से में ऐड किए जाते हैं, तो उस टाइम क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए. जो आर्टिकल 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक जो है वो यूनियन और इंडियन टेरिटरी के बारे में ही बताता है. वैसे तो हमने फेडरल और यूनिटरी के स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ पावर स्टेट को होती है और कुछ पावर सेंटर को होती है. और जो हमने यूनिटरी पढ़ा था उसके लिए ये था कि ये जो यूनियन है उसके पास ही सारी की सारी पावर्स होती है, यानी कि जो मुख्य पावर्स है वो यूनियन के पास ही होगी. और इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें दिया भी हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं. चलो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है, क्या लॉ बने हुए हैं इसके रिगार्डिंग. आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया क्या है और उसकी नेम क्या है और उसकी टेरिटरी क्या है. इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया जो है, जिसे हम भारत भी कहते हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता है. स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, या स्टेट्स और जो टेरिटरीज होती हैं, वो कहाँ पर स्पेसिफाइड की गई है, वो स्पेसिफाइड की गई है फर्स्ट शेड्यूल में. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो टोटल 12 शेड्यूल है, उनमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है. जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा. जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर स्टेट्स होंगे, उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज होंगी जो फर्स्ट शेड्यूल में है, और उसके अंदर जो है दूसरी और टेरिटरीज जो हमने एक्वायर की है, मान लो कोई भी पार्ट है, जैसे पुडुचेरी वगैरह था जो पुर्तगालियों के हाथ में थे, वो थी जो टेरिटरी, उसको हमने जब एक्वायर किया और अपने देश में शामिल किया, तो वो भी हम इसी के तहत उसके अंदर टेरिटरी में काउंट करेंगे. और टेरिटरी की जब बात आती है, तो हमने IPC पढ़ा था, IPC के कौन से सेक्शन है टेरिटरी के रिगार्डिंग, 1st, 2nd, 3rd, 4th IPC की जो है वो टेरिटरी के रिगार्डिंग सेक्शन है. उसमें जो सेक्शन 2 है वो इंटर टेरिटोरियल की बात करता है, और सेक्शन 3 और 4 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है. आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बताता है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है. भारत है उसे यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है. इसके पीछे बोलने का कारण ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड थे, उन्होंने इसके पीछे जो है रीज़न भी दिया. उन्होंने इसके पीछे रीज़न इसलिए दिया, क्या कहा रीज़न देते हुए, कि अम्बेडकर ने ये बात कही कि जो इंडियन फेडरेशन होता है, जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल मतलब भारत जो है सेंट्रल स्टेट दो भागों में बंटा हुआ है, तो उसके अंदर इसको यूनियन इसलिए बोला गया क्योंकि इट वॉज इनडिजोल्यूबल. डिजोल्यूबल का मतलब है कि ये किसी में घुल नहीं सकता, ये किसी में मिल नहीं सकता,
and no state had a right to secede from the union, Indian Union. और states और India जो है, जो union है, उनके अलग अलग separation जरूर है powers का, और center और state में उनका division है, उन्हें federal structure बोला गया, but जो states हैं वो India से, India की जो central government जो है, उनसे अलग नहीं हो सकती. अगर कोई state ये कहता है कि हमें खुद के ही सारे का सारा अधिकार चाहिए, कानून बनाने का भी, rule करने का भी, अपने state में हम जिस भी मर्जी से चाहें अपना rule कर सकते हैं, तो वो अधिकार स्टेट को कभी भी नहीं दिया गया. इसीलिए हमारा जो संविधान है वो भी यूनिटरी है, और हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, बट द फाइनल जो पावर्स है, फाइनल जो अथॉरिटी जो वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में. जो फ्रेज है यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया नीड टू बी डिस्टिंगाइज. डिस्टिंगाइज का मतलब है इन दोनों का भेद समझने की जरूरत है. भेद इसलिए समझना जरूरी है कि जब आप यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हो तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स आएगा, कि जो सारे स्टेट्स हैं हमारे देश में, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी यूनियन टेरिटरीज को और जो स्टेट्स हैं वो सारा टेरिटरी का पार्ट होगा, और उनकी जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो यूनियन है उसके पास उसकी फाइनल अथॉरिटी होगी. और टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या शामिल होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो हमने पढ़ लिया कि उसमें जो स्टेट्स भी शामिल होंगे, उसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होंगी, और कोई अदर टेरिटरी भी हो सकती है जिसको हम एक्वायर करते हैं, और उसको जब एक्वायर किया जाता है तो वो फिर हमारे देश का हिस्सा बन जाता है, और उसके बाद हमारे जो रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज हैं वो सारे के सारे उस टेरिटरी पर अप्लीकेबल होते हैं. जो यूनियन है इंडिया का उसके अंदर सिर्फ स्टेट्स ही नहीं आएंगे, उसके जो मेंबर्स हैं फेडरल सिस्टम के, और उनको जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा इंक्लूड होगा. ऐसा नहीं कि जब यूनियन ऑफ इंडिया कह दिया गया तो इसमें सिर्फ टेरिटरी की बात हो रही है, इसमें सिर्फ टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, इसमें उस हर एक पावर की बात हो रही है जो पावर फेडरल सिस्टम में यूनियन और स्टेट्स को प्रोवाइड करी गई हैं. जो यूनियन टेरिटरीज हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स, वेयर इज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट. अब ये डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी हो जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया का, कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट्स में इंक्लूड नहीं है, उसे आप यूनियन ऑफ स्टेट्स में शामिल नहीं करोगे. जब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करी जाएगी तो उसमें यूनियन टेरिटरी के जो पार्ट्स बताएंगे वो सारे पार्ट्स इंक्लूड होंगे. सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी कह दिया कि यूनियन पूरा भारत उसमें शामिल होगा, लेकिन क्या क्या शामिल होगा वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के द्वारा ही समझा जाएगा. कि जब टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात आएगी तो फिर आप ये मान के चलोगे कि उसमें जो है स्टेट्स होंगे, उसमें जो यूटीज होंगे, और उसके अंदर जो एक्वायर्ड होगा जो कुछ पार्ट्स वो उसमें शामिल होगा. तो ये जो डिफरेंस, ये जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि जो यूनियन टेरिटरीज को आप यूनियन ऑफ स्टेट्स में नहीं मानोगे, कहने का मतलब है कि जो अलग अलग पार्ट्स में डिवीज़न है स्टेट्स का है, यूनियन टेरिटरीज का है, और जो भी हमने और जो पार्ट है वो एक्वायर किया है वो सारा का सारा पार्ट इसमें शामिल होगा, तब वो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का पार्ट बनेगी. बट जो यूनियन ऑफ टेरिटरीज हैं और स्टेट्स हैं उनको फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो है डिस्क्राइब किया गया है, जो फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है कि जो यूनियन ऑफ टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट्स है और टेरिटरीज है, इनके बारे में अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन बनेगा तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा. अब आप हर एक शेड्यूल जो है वो अलग अलग डिवाइड की गई है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए 10th शेड्यूल है, ओथ्स और ओथ्स के लिए अलग शेड्यूल दिया हुआ है, इस प्रकार से अलग अलग शेड्यूल्स हैं और उन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही रूल्स को फॉलो किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि जब शेड्यूल दिया गया है तो उसके अंदर कोई आर्टिकल इन्वॉल्व नहीं होगा. जब भी कोई शेड्यूल की बात आती है उसके साथ कुछ ना कुछ आर्टिकल में उसका प्रोसीजर और राइट्स दिए होंगे, उसके साथ ही उसको पढ़ा जाएगा. अब बात आती है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए. मान लो जब आपने, आपका मान लो कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है या हमने युद्ध करा चाइना से, तो उसके बाद उनका कुछ पोर्शन जो है हम एक्वायर कर लेते हैं किसी ट्रीटी के तहत कर लेते हैं, या वैसे ही हम एक्वायर कर लेते हैं, तो क्या उस एक्वायर करने के लिए हमें कोई अमेंडमेंट की नीड होगी. क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन कई बार मेंस के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये आप मान के चलिए कि ये जो है इतना कोर एरिया नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है, बट फिर भी इसमें से कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न करने के लिए, उनको डीमोरलाइज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अंदर ये पूछा गया, कहा गया कि क्या किसी भी ऐसी टेरिटरी को एक्वायर करना है जो विदेशी टेरिटरी है और अब हमारे देश का हिस्सा बना, क्या उसके लिए अमेंडमेंट की नीड है. तो आंसर इज़ नो, इट इज़ इनहेरेंट पावर है. सोवरन स्टेट वो हो स्टेट होती है जिस स्टेट के सारे राइट्स होते हैं और अपने आप ही फैसला वो ले सकती है. जैसे इंडिया जो है वो एक सोवरन स्टेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक सोवरन स्टेट नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ के जो फाइनल ऑर्डर्स हैं वो ब्रिटेन के द्वारा लिए जाते हैं.
तो हमारा देश जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है। अगर हमें फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करना है तो हमारी इनहेरेंट पावर है, हमें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिना किसी अमेंडमेंट के ही हम जो है कोई भी टेरिटरी जो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा एक्वायर की जा सकती है। किस दिन से ये मानी जाएगी? जिस दिन हमने वो टेरिटरी को ले लिया उसी दिन से माना जाएगा कि वो जो इंडियन टेरिटरी है उसका पार्ट है। जो फॉर्मल एसिमिलेशन जो था पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो कुछ प्रोसीजर दिया गया है, तो उस फॉर्मल एसिमिलेशन के साथ साथ ही ये जो इनहेरेंट पावर है ये दी गई है। अब एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सीसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। क्या सीसेशन? सीसेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इंडियन टेरिटरीज़ हैं जो हमारे आसपास की है, क्या उसको सीसेशन करने के लिए, उसको वहाँ से उसका आधिपत्य लेने के लिए, उस पर अपना कब्जा लेने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत है? तो यहाँ पर आंसर आएगा येस। एक्वायर करना होता है, प्राप्त करना, जो खुशी से दिया जा रहा है या किसी ट्रीटी में दिया जा रहा है। और सीसेशन का मतलब है आधिपत्य करना, हमने किसी की टेरिटरी पर कब्जा किया है, जब उस कब्जे को अपने उस देश में शामिल करना होगा तो हमें अमेंडमेंट की नीड रहेगी। और यही जो है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन हैं वो आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद है कि एक केस है इसके रिगार्डिंग, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता, ये एक लैंडमार्क केस है। ये भी एक टेरिटरी के एक्वायर के बारे में बताया गया। इसमें एक परपेचुअल लीज थी दूसरी कंट्री के पक्ष में, कोई एक ऐसा एरिया था 3 बीघा ज़मीन के नाम से इसको बोला जाता है कि कोई एक लीज थी। लीज़ होता है कि जब हम लीज़ पे प्रॉपर्टी कुछ रुपया लेकर किसी को लीज़ पे दे देते हैं उस पर काम करने के लिए या कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो कह रहा है कि एक परपेचुअल लीज़ थी, वो दूसरी कंट्री के फेवर में थी, और टू यूज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी सच एज 3 बीघा इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पक्ष में लीज़ थी, 3 बीघा का हिस्सा था। 3 बीघा कोई ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता, लेकिन 3 बीघा का हिस्सा जो था उस एरिया उस दूसरी कंट्री के एक्वायर किया हुआ था, उसके पास था लीज़ के तौर पे। और उसको ये नहीं माना जाएगा कि जब हम उसको अपनी कंट्री में शामिल करेंगे तो वो सीसेशन नहीं माना जाएगा। सीसेशन का मतलब है उसका हमारा आधिपत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो आधिपत्य का मतलब है कि अब हमें आधिपत्य नहीं करना उसका, तो पहले से ही हमारे पास अधिकार है, हमने सिर्फ लीज़ पे वो प्रॉपर्टी दी है या वो जगह दी है, तो उसके रिगार्डिंग जो हमें किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो बांग्लादेश के द्वारा कुछ पार्ट जो है इंडियन टेरिटरी को दिया जाता है और उसके बाद इंडिया का उस टेरिटरी पर उस जगह पर कब्जा होता है, तो उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, उसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की रिक्वायरमेंट है, और वो संवैधानिक संशोधन जो है हमें करना ही पड़ेगा। और ये अगर आप नहीं करोगे तो उसे जो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर कोर्ट में चैलेंज हुआ तो वो डिपेंड करता है कि जुडिशरी क्या उस पर डिसीजन लेती है, क्या उसको उसके लिए नीड लगती है कि एक अमेंडमेंट किया जाए या उसको उसके लिए कोई नीड नहीं लगती। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब आप एडमिट कर रहे हो कि कोई नया स्टेट बना रहे हो और उस नए स्टेट को आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, स्थापित कर रहे हो, या उसको अपने में एडमिट कर रहे हो कि हाँ ये अब से हमारा स्टेट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब आप ये समझिए पार्लियामेंट की बात हो रही है, यानी कि जो ये पावर्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रूल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। और इसे पार्लियामेंट जो है बाय लॉ एडमिट कर सकती है यूनियन में, जो हमारा देश है उसके अंदर एस्टेब्लिश कर सकती है, स्थापित कर सकती है नए स्टेट को कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस पे जो टर्म्स और कंडीशन उन्हें ठीक लगे, एज इट थिंग्स फिट, कि जैसे उन्हें उचित लगे। उचित का मतलब है कि लॉ को फॉलो करके वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी, ऐसे नहीं कि किसी भी पर्सनल व्यक्ति की जो है पर्सनल ओपिनियन पर वो चलेगा। अंडर आर्टिकल 2 द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट पावर विद पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर्स है पार्लियामेंट के पास जो एडमिट कर सकता है, वही सारी चीज़ें जो मैंने बता दिया। जो फ्रेंच सेटलमेंट हुई थी पहले, जो क्या था फ्रेंच का, फ्रांस के कुछ जो है आधिपत्य था हमारे कुछ टेरिटरीज़ पे, पौंडीचेरी, कैरिकल, माहे, यानम, और पुर्तगीज सेटलमेंट हुआ गोवा का, और दमन दीप, सिक्किम एक्सेट्रा, जो ये कुछ सेटलमेंट हुए, इन सेटलमेंट के थ्रू जो है कुछ पार्ट हमारे कंट्री के अंदर आ गया। आर्टिकल 2 जो है वो रिलेट करता है एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की, जो हमारे देश का पार्ट नहीं थे उसी पर ये अप्लीकेबल होगा आर्टिकल 2। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हम देखें तो आर्टिकल 3 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की और क्रिएशन की बात कर रहा है नए स्टेट की, जब हमें नए स्टेट बनाना होगा और नए स्टेट को स्थापित करना होगा, रीऑर्गेनाइज करना होगा। मान लो दो, एक स्टेट है उसके दो पार्ट करने, जैसे छत्तीसगढ़ में से
छत्तीसगढ़ जो है एक नया स्टेट बना था, बिहार से इसी तरीके से झारखंड बना था, और ऐसे जो पंजाब और हरियाणा जो है पहले इकट्ठे ही थे, फिर पंजाब में से हरियाणा निकल के आया था। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके लिए भी आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाता है। हमारे देश में एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है चंद्र नागौर जो है, केवल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिस टेरिटरी को हमने चंद्र नागौर मर्जर एक्ट 1954 के तहत हमारे जो यूनियन है उसके अंदर उसको एडमिट किया, उसको एस्टेब्लिश किया और नए स्टेट के तौर पर उसको लेके आए। तो आप ये माइंड रखना, चंद्र नागौर का जो ये एक जो एक्वायर किया गया था टेरिटरी को, यानी कि एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सिक्किम जो है उसको यूनियन का पार्ट बनाया गया था, और लेकिन इसको बाद में रिपील भी कर दिया गया 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फिर आर्टिकल 3 जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, कि जब भी हमें कोई नई स्टेट फॉर्मेट करनी है, कोई नई स्टेट बनानी है या किसी एरिया को ऑल्टर करना है, मान लो हमने किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट निकालनी है या उसके एरिया को हमने थोड़ा कम करना है या उसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसमें भी पार्लियामेंट कर सकती है, मे बाय लॉ के द्वारा। वो भी कह रखा है लॉ के द्वारा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ करेगी, लॉ का प्रोसीजर फॉलो होगा, ऑर्डिनेंसेस पास होंगे उसके बाद ही कुछ होता है। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से उसके हिस्से को अलग करके नए स्टेट बनाना, और कोई भी दो स्टेट्स को इकट्ठा करना या किसी भी स्टेट्स के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना या उनको इकट्ठा करना और किसी भी स्टेट की टेरिटरी को अलग करना। इंक्रीज द एरिया, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ाना, डिमिश कम करना, ऑल्टर मतलब बाउंड्री को चेंज करना, या उसके नेम, बाउंड्री का मतलब उसकी सीमा को चेंज करना या उसके नेम को चेंज करना, ये सारे के सारे जो पावर्स हैं ये किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। दीज पावर्स वेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, दीज पावर वेस्ट विद पार्लियामेंट। उसके बाद है कि इसमें प्रोवाइजो दिया हुआ है कि नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, कोई भी ऐसा बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट की रेकमेंडेशन ना हो। प्रेसिडेंट उस पर जो है अपनी रेकमेंड नहीं करता, उस पर जो है अपनी आदेश नहीं देता। और वेयर द प्रपोजल कंटेन इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एनी स्टेट, द बिल हैज़ बीन रेफर टू प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू देयर ऑन सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब रेफरेंस। रेफरेंस के लिए ये जो है कुछ टाइम तक प्रेसिडेंट के पास रखा जाएगा, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है 15 दिन 30 दिन का, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट के पास वो बिल रहेगा। और अगर कुछ टाइम के बाद जो एक टाइम लिमिट है तब तक अगर प्रेसिडेंट उस पर कोई भी अपनी रिकमेंडेशन नहीं देता तो उसके बाद जो है पार्लियामेंट के पास जो पावर हो जाएगी, वो उसके बाद ही जो है उसका नाम चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, डिमिंस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो उससे पहले जो है वो एक प्रोसीजर जो है लॉ का वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जो क्लोज ए से ई तक दिए हुए हैं, जो हमने लॉ क्लोज पढ़े थे, स्टेट्स का मतलब है यूनियन टेरिटरी बन इन द प्रोवाइजो, प्रोवाइजो में ये बोला गया है कि स्टेट डज नॉट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी, स्टेट में यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं होगी। स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड है, कि पूरे देश की जो सीमा है उसमें इंक्लूड है, पर यूनियन टेरिटरी जो स्टेट का पार्ट नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जैसे एक घर है, उस घर में 5 कमरे हैं, तो जो 5 कमरे हैं वो उस घर का पार्ट है, बट जो घर है वो उन 5 कमरों में से किसी भी एक कमरे का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से यूनियन जो है, सेंटर जो है वो उसके अंदर जो सारे के सारे स्टेट्स आ जाएंगी, लेकिन स्टेट्स के अंदर यूनियन नहीं समा सकती। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि जो पावर करी गई है कन्फर पार्लियामेंट के द्वारा क्लोज ए में, क्लोज ये क्या कहता है, क्लोज ये कहता है कि फॉर्म करना, नहीं स्टेट सेपरेट करना, यूनाइट करना, तो ये सारी जो चीज़ है उसके अगर जो पावर है उसमें ये पावर भी आएगी कि वो नई स्टेट भी बना सकता है, यूनियन टेरिटरी भी बना सकता है, यानी कि जो वो उसमें दिया हो वो सारा का सारा एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने जितना भी इसके रिगार्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगा, जितने भी मुझे इसके रिगार्डिंग इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लगे, वो मैं सारे के सारे यहाँ मैंने डिस्कस किए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है वो एक मेजर रिफॉर्म था, मेजर रिफॉर्म्स का मतलब है, और 1956 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स हुआ 1950 में। उसके बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे थे कि कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो लिंग्विस्टिक बेस पर जो है जो अपने
आप मान के चलो कि भाषा के बेस पर जो है अलग अलग भागों में बंटे हुए थे और अभी तक उन स्टेट्स का कोई भी डिवीज़न ढंग से नहीं हुआ था, ना उसका प्रॉपर कोई नेम हुआ था। तो इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो हेडिड थे यानी कि जो इसके चेयरमैन थे जस्टिस फैजल अली थे, उन्होंने दो मेंबर के साथ कंजूरू और पन्नीकर, ये दोनों तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट के बेस पे ही 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो एनफोर्समेंट में आया। ऑल दो एडिशनल चेंज किए गए स्टेट की बाउंड्री में 1956 तक काफ़ी बदलाव कर दिए गए थे और जो ये सारी की सारी रियासतों को कंबाइन करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। तो ये भी आप माइंड में रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने ही हमारे देश को यूनाइट किया था और उसी के लिए उनको याद किया जाता है। तभी तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में बना है वो इसी वजह से बना है, क्योंकि उन्हें यूनिटी के लिए जाना जाता था। तो कह रहा है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, अभी वो सिंगल ऐसा एक्सटेंसिव चेंज लाया, सबसे बड़े बदलाव लेके आया 1947 के बाद। ये एक्ट जब आया उसी टाइम सातवां जो है अमेंडमेंट आया था 1956 में, जिन्होंने एक पूरे के पूरे संविधान का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उसको दोबारा से स्ट्रक्चर बनाया, उसका दोबारा से निर्माण किया गया और उसके अंदर जो प्रोविजन्स थे पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 3-4 के है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस किए गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 है उसने भेद बताया कि तीन प्रकार की स्टेट्स की कैटेगरी बना दी थी, लेकिन यहाँ पर तीन उन्होंने बताई थी, उसके बाद एक फोर्थ कैटेगरी भी ऐड कर दी गई थी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में वो स्टेट्स थी जहाँ पर पहले गवर्नर के जो प्रोविंसेस थे, गवर्नर्स जो थे उन्होंने अपने अपने प्रांतों में ब्रिटिश इंडिया के राज में लागू करे गए थे और उनके प्रांतों में जब डिवाइड किया गया था उन सारों को, वो पार्ट ए स्टेट्स में रखा गया। इसमें रखा गया आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इनको पार्ट ए में रखा गया। पार्ट टू में जो रखा गया वो प्रिंसली स्टेट थे, वो राजा महाराजाओं के स्टेट्स थे जहाँ पर राय प्रमुख होते थे, राय रियासतों को राय बोला जाता था, राजा महाराजाओं के जो एरिया होते थे उनको रियासत बोला जाता था, राय प्रमुख थे वहाँ पर और वहाँ पर राय प्रमुख जो हैं वो अब प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अपॉइंट किए गए और उस स्टेट में शामिल थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, स्टेट यूनियन, पेप्सू जिसे बोलते हैं, काफ़ी आपने केसेस भी देखे होंगे पर्टिकुलर पर्सन वर्सेस पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, तो ये जो सेकंड पार्ट में माने गए थे। थर्ड पार्ट में जो रखे गए थे वो प्रोविंस रखे गए थे, वो प्रिंसली स्टेट रखे गए थे जो चीफ कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहाँ पर चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला जो था जहाँ पर जो गवर्नर्स थे, सेकंड में राय प्रमुख थे और थर्ड के अंदर जो है चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए। और जो 10 पार्ट C जो था, द 10 पार्ट C स्टेट्स, इनमें जो है पार्ट सी के अंदर ये 10 स्टेट्स थी, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ बोल सकते हो आप, मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश और लास्ट में इकलौता जो बच जाता है पार्ट डी टेरिटरी, उसमें अंडमान और निकोबार आइसलैंड थे। इन सभी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रखा गया, आज भी वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग संभालते हैं। तो जेसी शाह कमेटी रिपोर्ट आई 1966, उसमें क्या है कि पंजाब में से हरियाणा को अलग किया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ। ये हरियाणा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर स्टेट्स की जो ये मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताया गया, इसमें जो ये स्टेट्स थे आसाम, महाराष्ट्र, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पंजाब, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, हैदराबाद, J&K, ये सारे के सारे वो राज्य बने जहाँ पर लिंग्विस्टिक यानी कि जहाँ भाषा के बेसिस, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती। तो जो लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के बेस पे उन राज्यों का निर्माण किया गया कि वो लोग जो लोग उस एरिया में जो भाषा बोलते थे सिर्फ वही भाषा वहाँ पर बोली जाएगी। तभी तो लगभग स्टेट्स में वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ की राज्य भाषा है और हिंदी और इंग्लिश हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद है इसको प्रोसीजर क्या है कि अगर मान लो आपने रीऑर्गेनाइज करना है किसी स्टेट को, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। पहली बात तो कोई भी बिल जो है वो बिना रेकमेंडेशन के, बिना प्रेसिडेंट की रेकमेंडेशन के पेश नहीं किया जाएगा। ये बिल जो है एक प्राइवेट बिल नहीं होगा, प्राइवेट बिल में का मतलब है कि किसी भी MP MLA के द्वारा नहीं लाया जाएगा।
और प्रेसिडेंट जो है इस पर ओपिनियन ले सकता है स्टेट लेजिस्लेचर की। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि मुझे स्टेट से भी इसके बारे में ओपिनियन लेना चाहिए तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट से भी ओपिनियन ले सकता है। और स्टेट लेजिस्लेचर अगर ओपिनियन नहीं देते जो टाइम लिमिट है तो उसके बाद जो है बिल को दोबारा से ओपिनियन के लिए नहीं ला जा सकता, यानी कि एक टाइम लिमिट है उसी लिमिट में प्रेसिडेंट को जो है स्टेट से ओपिनियन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट जो है बाउंड नहीं है, पार्लियामेंट इस पर ये नहीं कि बंदिश है पार्लियामेंट के ऊपर कि उसे स्टेट लेजिस्लेचर से इसके ऊपर व्यूज़ लेने होंगे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर को हर वक्त जो है फ्रेश रेफरेंस ताज़ा उनके विचार रखने के लिए बुलाया जाए। आर्टिकल 41 जो है उसके तहत पार्लियामेंट जो रेजोल्यूशन पास कर सकता है, एक बिल ला सकता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। दिस आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट द फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फ्लेक्सिबल जब हम कहते हैं ना कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है और फ्लेक्सिबल है, वो इसी बेस पर कहते हैं कि आर्टिकल 41 जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। वेदर आर्टिकल 3 जो है फर्दर एक्सटेंशन है आर्टिकल 2 का कि कुछ फीचर ऐड करने के साथ साथ कि कुछ ऐसी फीचर ऐड कर दी जिसके बाद क्या आप कह सकते हो कि आर्टिकल जो 3 है वो 2 का एक्सटेंशन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और आ सकता है फर्दर भी। तो आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग है और जिस आर्टिकल जो है प्रोवाइड करता है पावर की नई स्टेट को बनाओ बियॉन्ड और प्रेजेंट टेरिटरी में। तो आर्टिकल 3 जो कहता है वो नई स्टेट बनाने की बात करता है और आर्टिकल 2 जो है पहले वाली स्टेट की ही बात करता है। और दूसरे तरीके से आप देखा जाए तो आर्टिकल 3 जो है वो नई स्टेट का निर्माण करेगा, रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है पुरानी स्टेट का जो भारत का हिस्सा है। आर्टिकल 3 जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि आलोचना करता है और डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स टेरिटरीज़, और जो स्टेट टेरिटरी राज्य की जो सीमाएं हैं उस पर निर्भर होने से हमें जो है आज़ाद करता है। तो आर्टिकल 2 जो 3 है वो उसका आप एक्सटेंशन नहीं मान सकते। आर्टिकल 4 वो कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में जो अमेंडमेंट है उसके रिगार्डिंग जो है आर्टिकल 4 के तहत जो आप लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 4 का जो फर्स्ट है वो पढ़ लेते हैं। एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 और 3, कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिश के रिगार्डिंग और आर्टिकल 3 जो है वो आपका मान के चलिए कि न्यू स्टेट्स के रिगार्डिंग है, तो कहते हैं कि उन प्रोविजंस में जब अमेंडमेंट होगा फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में जब नेसेसरी होगा तो उसके जो इंसिडेंटल सप्लीमेंटल उसके साथ साथ इंसिडेंटल उसकी जो जुड़ी हुई घटनाएं होंगी या कंसिक्वेंसल उसके जो परिणाम होंगे वो सारे के सारे परिणाम अगर स्टेट अफेक्ट नहीं होती तो पार्लियामेंट के लिए उससे जो है राय लेना, यानी कि उसकी जो है पार्लियामेंट की के आगे जो है स्टेट लेजिस्लेचर की रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति इनकी ओपिनियन जरूरी नहीं है। तो आर्टिकल 41 जो है फ्लेक्सिबिलिटी बता गया, फेडरल स्ट्रक्चर बता रखा है, लेकिन रिजिड का मतलब है कि सेंट्रल की अलग पावर स्टेट की अलग पावर है, लेकिन यहाँ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को फ्री कर दिया कि जरूरी नहीं है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पर ओपिनियन लो, उसकी रिप्रेजेंटेशन आप करवाओ। नो सच लो एज ए पोर्सर शैल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। अगर मान लो ऊपर कोई ऐसा लॉ बन गया है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 368 की तरह के तहत जो उसमें अमेंडमेंट भी करें। तो आज के लिए यही इम्पोर्टेंट था, इतना ही स्लाइड इम्पोर्टेंट था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक बार आपको बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको नॉलेज में आ जाएगा कि प्री के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पार्ट 1 किससे डील करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चैप्टर का नाम आपको माइंड में होना चाहिए, कौन से आर्टिकल से लेकर है 1 से 4 तक। प्री का बता रही हूँ मैं आपको, जहाँ मुझे लगेगा मेंस के लिए तो मैं उसी टाइम आपको कह दूंगी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेम एंड टेरिटरी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या है, भारत क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेरिटरी में क्या क्या आएगा, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और सच अदर टेरिटरी दैट इज एक्वायर्ड, जो एक्वायर की जाएगी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है, भीमराव अम्बेडकर ने जो है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसके रिगार्डिंग कहा कि फेडरेशन तो है लेकिन यूनियन के पास सारी पावर्स हैं। यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप पे ये प्री में मेरे को नहीं लगता आएगा और मुझे ये भी नहीं लगता कि मेंस में आने की भी इसकी चांसेस है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या है या टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो दोनों क्वेश्चन हमने करे थे कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है एक्वायर फॉरेन टेरिटरी के लिए, आंसर इज नो, और वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड सेशन ऑफ द इंडियन कंट्रीज, आंसर इज यस। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लैंडमार्क केस है 3 बीघा जमीन के मामले से बांग्लादेश से रिलेटेड लीज के मैटर में,
और यूनियन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन का जो केस है 1990 का, ये इंपॉर्टेंट है। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। और चंद्र नागौर जो एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जो हमारा आर्टिकल 2 के तहत जो है मर्ज किया गया था। आर्टिकल 2 है सिक्किम के रिगार्डिंग है जो अब रिपील हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, ऑल्ट्रेशन करना, बाउंड्री को डिसाइड करना, नए स्टेट्स के नेम देना, नाम चेंज करना, जैसे अभी ये करा था जो J&K है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ये भी इसी के तहत किया गया था। उसके बाद है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950 में कौन कौन से 3 मेंबर्स थे, जस्टिस फैजल अली थे, कुंजूरू थे और पन्नीकर थे। कुंजूरू और पन्नीकर जो है इसके मेंबर्स थे और फैजल अली जो है चेयरमैन थे। और उसी टाइम 7th अमेंडमेंट एक्ट भी 1956 भी आया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही बता दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो है सारा का सारा एक्ट किया गया था, इसलिए इनके नाम देना मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और हरियाणा और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए जेसी शाह कमेटी रिपोर्ट 1966 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हरियाणा पंजाब से अलग होके अपना खुद के अस्तित्व में आ गया था 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद प्रोसीजर बता दिया गया कि बिना प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन के नहीं होगा, लेकिन प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन भी सिर्फ उतने टाइम के लिए होगी जितने टाइम तक टाइम लिमिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उसके अलावा अगर वो चाहे उस टाइम में तो स्टेट से भी वो है ओपिनियन ले सकता है, लेकिन 4A जो आर्टिकल है वो कहता है कि स्टेट्स की ओपिनियन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लगता है कि स्टेट की यहाँ रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वास्ट पावर है और वो उस पावर का यूज़ कर सकता है, जैसे J&K में हुआ था। पहले वहाँ पर जो गवर्नर रूल लग गया, फिर उसके बाद 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया। और ये जो सिंपल मेजोरिटी से होगा, क्या ये एक्सपेंशन है इसका, तो आप कह सकते हो कि एक्सपेंशन नहीं है, दोनों अलग अलग मैटर पर डिपेंड करते हैं। आर्टिकल 4 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से शेड्यूल का डिस्कशन किया गया, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल है। जब हम शेड्यूल का एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक बनेगा शेड्यूल का, एक क्या बनेगा, 2-3 टॉपिक बनेंगे उसमें, क्योंकि उसके साथ साथ हमें आर्टिकल्स भी कवर करने होते हैं, तो उस टाइम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे पंखा बंद करके जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जो है स्वेट का भी इशू आ रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाकर अपलोड करूं। और कोरोना का काफ़ी ज़्यादा इश्यू बढ़ रहा है, तो आप कोरोना का जो है बचाव रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखिए और उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर रखिए, क्योंकि जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उनको कोरोना की जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, वो जल्दी हो जाता है। और अगर आपको आज के वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशंस है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और उसमें ऐड करना चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर जो बेल आइकन है उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो फर्दर जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और जितना आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा जो चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और उसके बाद मेरा भी घोंसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।